हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं जेके मीमर चैनल से वाक्य सीन है बेटा, मौज करती इंस्टाग्राम फनी मीम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। बोले भाई जी, मुझे काला मत बोलो, ये दिल बहुत रोता है। बोले भाई जी, मुझे काला मत बोलो, ये दिल बहुत रोता है। वाह वाह वाह, बोलना ही है तो ब्राउन मुंडे बोलो, ये सुनकर हमें बहुत गर्व होता है। तुमको बोला था ना, साले शांत रह, जब देखो तब बन बना के खड़ा ही रहता है। अब निकल ली ना। हेलो, मैकडोनल्ड्स? यस, प्लेस माई ऑर्डर प्लीज। या या, आई वॉन्ट टू बिग पिज्जाज विद ग्रीन चिली सॉस। वॉट, यू डोंट हैव पिज्जाज? देन वाई यू ओपन योर शॉप? Oh my, are you don't understanding me? Why? Oh, I am mistaking. No, I am not mistaking. Just mistaking. Looking at my confidence. I am saying influent English. Influent English. तुझे कुछ नहीं आता बाबा। भैया के साथ मजा नहीं है? अब जो मजा तुम्हें है वो तुम्हारे भैया में। जो कमी उनसे रह जाती है वो तुम पूरी कर देते हो। मतलब कौन सी कमी, क्या कौन सी बाल्टी भरनी रह गई थी भाई? अब मैं भी लिखता हूँ रैप। अच्छा अच्छा, रस्ते पे ध्यान देना यार। नहीं नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। आप सिंगरिंग वाले शो में जाइए ना। सिंगरिंग तो दुखद स्टोरी भी है, खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद इरशाद। पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गांड लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है, धुआं है या कोहरा, पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने की चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। 64। अरे राइट से लो यार, लेफ्ट से ले लो। खुश नसीब हो जो तुम्हें भाभी के हाथ की चाय पीने की मिल रही है। चाय का कुछ और पीने का मन, पर तुम पिलाती कहां? मैंने कब मना किया? जब चाहे आ जाओ। मुझे कहते हैं खुली किताब, सही खेल गया मैं। बोलो भाई क्या बनाऊं? एक आलू चाट। चाट लिया, अब बताओ क्या बनाऊं? आलू की चाट। दीदी में एक ही चूक लौड़े जाड़ी कांड के। मेरे दोस्त भी तेरी अगर लेगा तो क्या डबल ले लेगी? मैं ले लूंगी, एक आगे से एक पीछे से। देख ले दोनों का 10-10 इंच। 10-10 इंच को 15-15 इंच को मेरे को फर्क नहीं पड़ता। A few moments later. क्या हो गया? इतना लंबा उसका, इतना लंबा इसके साथ करूंगी क्या मैं? ऐसे ऐसे करूंगी मैं तो मरी जाऊंगी। तो अभी तो कॉन्फिडेंस था बड़ा। किधर गया कॉन्फिडेंस? 15,000। सुक्कू बेटा, तुमने इस महीने के वॉचमैन की पगार कितनी दी? पापा, इस महीने का हुआ है वॉचमैन का 17,000। अच्छा, और वो स्त्री वाले भैया का कितना हुआ बेटा? पापा, स्त्री वाले भैया का हुआ है 20,000 रुपए। अच्छा बेटा, और वो टॉमी का कितना खर्चा हुआ इस महीने? टॉमी का इस बार 25,000 में हुआ। चलो सस्ते में निपटा दिया बेटा। तो और वो जो खाना बनाने वाली दीदी आती है उनको कितना हुआ? उनको 50,000। पापा, उनका 40,000 है इस बार। नहीं, 10,000 का। और सुक्कू बेटा, मैंने तुम्हारी वो मंथली वो दे दिया तुम्हें पॉकेट मनी 1.5 लाख की। 1.5 लाख की मंथली पॉकेट मनी। मैं फ्रेंड हूँ इसका, वो हाय बोलने आया था आपको। अच्छा, हेलो बेटा। हाय, बाय। चलो तू भी काम पे लग जा इनके घर पे। इतना दूर क्यों खड़ी हो? थोड़ा पास आओ। अच्छा। अपनी सांसों से लगाकर अपने होठों में उतारना है तुम्हें। कट 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 कट। रंगो बेटा, सांसों में उतारना है।
ब्रश ब्रेथ ब्रेथ सांस कम ऑन वन मोर एंड एक्शन। इतना दूर क्यों खड़ी हो, थोड़ा पास आओ, अपने गोटों से लगाना है तुम्हें। क्या इतना पास क्यों खड़ी हो, थोड़ा दूर हो जाओ प्लीज। कट। इतना पास क्यों खड़ी हो, मेरा खड़ा हो रहा है। कट। इतना पास क्यों खड़ी हो, थोड़ा दूर हो जाओ, कहीं ना कहीं से तो घुसाना है तुम्हें। नेपोटिज्म। यहाँ पीछे ट्रैक पे कुछ लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी यहाँ पे रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरे नहीं मैम, रात में थोड़ी ज्यादा पी ली थी तो वहाँ खंबे के पास पड़ा था, अभी हो सा तो घर जा रहा हूँ। मेरी बेटी से शादी करने से पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। पापा कहाँ से लाएगा बेचारा 1 करोड़ रुपए? मैं तो 1 लाख मांगने वाला था, अब 1 करोड़ लाएगा। यार मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना बात। मेरी बेटी को पालने की हैसियत नहीं और चला है शादी करने। प्यार को पैसों की तराजू में तोलते हो डागा साहब, कतई छोटी सोच है आपकी। तो फिर ठीक है 5 करोड़ ला। पापा कहाँ से लाएगा बेचारा 5 करोड़ रुपए और एक सी फेसिंग बंगलो? नहीं कर लो, तुम ही बात कर लो, तुम ही बात कर लो। उसे चाहिए। अपर्णा मैं तुझे 500 रुपए दूंगा अगर तू मुझे किस करेगी। पागल है क्या तू, तेरे को शर्म नहीं आती है? मेरे बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है तू, बदतमीज। अच्छा 1000 दूंगा, एक किस की बात है उसको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक किस। ठीक है जल्दी। गधी। एक किस 1000 रुपए में, वाओ। तो पूरेगा कितना? डरन याद है मैंने तुझसे 1000 रुपए उधार लिए थे? हाँ। तेरी गर्लफ्रेंड को दे दिए, उससे ले लियो। ठीक है हाँ ठीक है, बाय। हो गया बड़े वाले। निखिल तुम आज से मेरे घर आओगे पढ़ने के लिए, तुम्हारे क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है और मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी स्टूडेंट्स फेल हो। आपके रहते कैसे फेल हो सकता है कोई भी स्टूडेंट? आपके रहते कैसे फेल हो सकता है भाई? आज देखो नहीं लगता बहुत गर्मी हो रखी है। दिसंबर के महीने में गर्मी लग रही है। तुम कहो तो हम मेरे घर भी चल सकते हैं, वहाँ कोई है भी नहीं और गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम्हारे घर पे कोई है नहीं तो वहाँ जाके करेंगे क्या? तुमको गर्मी लग रही है, मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। अरे लेके, मैं अभी लेके आता हूँ। No, he is not a loser, he is a good boy, okay? अरे ये क्या है, ये किसका है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो तू ना एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं, बेचारे किसी का गिर गया होगा उसकी गर्लफ्रेंड भी मूड में होगी। चलो वापस चलते हैं। इतनी सारी हिट ड्रॉप कर रही है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा। हर्ष के फ्लैट में कोई नहीं है, चलें। चलो लेकिन यार सिर्फ हम दोनों रहेंगे तो तुम बोर हो जाओगी ना। शिट यार, एक काम करते हैं होटल चले। हाँ रूम बुक करो तो। रूम क्यों, होटल तो कुछ खाने चल रहे हैं ना, और वैसे भी तुम्हारे घर पे कोई है नहीं, फिर तुम घर चले जाना टाइम से। अंश बेबी तुम हमेशा वर्जिन ही मरोगे। ओह शिट, श्रेया श्रेया मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती थी। अच्छा इतनी देर में? तुम्हें होटल में नहीं ढाबा में खाना खाना पसंद है ना? चलो ढाबा चल लेते हैं, चलो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ राज है जिसके पास घर गाड़ी जमीन पैसा बंगला सब कुछ है, और एक तरफ संदीप जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ध्यान रखता है, मेरी हर सुख दुख में साथ देता है, मेरी हर बात सुनता है, मेरी अंधेर जिंदगी में रोशनी भरता है। मैं भी उसके सुख दुख का साथी बनना चाहती हूँ। अगर मैं उसका दुख में साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आजकल की दुनिया में कहाँ मिलता है ऐसा प्यार करने वाला? ऐसे प्यार करने वाले को मेरा कोटी कोटी नमन है, कोटी कोटी नमन है, कोटी कोटी नमन है। नमन करके चली गई माता। क्यों मजा आया, नमन करके चली गई।
गॉड क्या बात है। एक तरफ फलाने हैं जिनके पास बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, और उसको बोलते बोलते उसको इतना ज्यादा ओ चने के झाड़ पे इतना ज्यादा चढ़ाया कि वो ऊपर या नीचे ही देखता रह गया, और वो कोटी कोटी नमन करते करते चली गई। अबे तेरा बड़ा वाला कट गया हे भगवान। सो गाइस, आप लोगों का ऐसा कटा है या नहीं कटा है, और क्या आपका भी इतना टू इनोसेंट दोस्त है कोई? वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा रियल लाइफ में कोई होता है, ठीक है? तो अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? इज अ गुड बॉय, ओके।